प्रणाम जी। सुंदर सा जी, आज पुखराज पहाड़ की चितवन करते हैं। आप भी असर उनकी मेज से, उनकी लाड से। तो आइए सब मिलकर चलते हैं। हम सब रूहें मिलकर चलते हैं घूमर जी में, तारतम को मौन जप करते हुए। मेरी रूह अपनी निज नजर, अपनी सुरता को घूमर जी में लेकर जा रही है। घूमर जी में साक्षात विराजे आपकी स्वरूप के श्री चरणों में रू नमन कर रही है। मेरे पिया, मेरे श्री राज श्यामा जी, उनका अलौकिक स्वरूप श्रृंगार रू उनके चरणों में सिजदा कर रही है। पिया जी का बेशुमार लाड़, उनका प्यार रू एक पल में ही खुद को देख रही है। हद बेहद की ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में श्री रंग महल की उत्तर दिशा में शोभायमान पुखराज पहाड़ के सन्मुख महावन में रू महावन में अपने पिया संग, अपने धाम की लाडली सखियों संग दिव्य सुगंधि का एहसास रोम रोम पुलकित हो रहा है कि मैं अपने घर में हूं। और ये महावन भी तो पिया जी का आशिक आत्म स्वरूप, पिया जी आए हैं जो मुड़ता है, और फूलों की बरखा नहरी चबच्ची हर्ष मानो धनी का अभिनंदन कर रही है। इन महावन की अलौकिक शोभा में रूपिया संग रमन कर रही है। महावन के विशाल विशाल इन वृक्षों की मेहराबों में अति सुंदर हिंडोले, उन हिंडोलों में रूपिया संग हिंडोला झूल रही है।
धाम का सुंदर सुगंधित समा और पिया संग हिंडोलों में झूलने की आदत, विशाल हिंडोला एक ही हिंडोले में पिया संग सभी हम सखिया जुगल जोड़ी बीच में और हम सब सखिया गीत कर कितने सोने लग रहे हैं मेरे श्री राज श्यामा जी। वो पिया जी की नासिका में बेसर उनकी लाली माँ से हर ओर लाली माँ बिखरती हुई पिया का इश्क बिखरता हुआ पशु पक्षियों के जुत पिया की दीदार के लिए उमड़ते हुए और मेरे श्री राज श्यामा जी उनकी नजरों में नजर बांध कर रूह हिंडोला झूल रही है हिंडोलों की मीठी आवाज मेरी पिया मेरी पिया मेरी पिया और पशु पक्षी भी मीठे स्वर में गायन कर रहे पिया पिया तू ही तू ही हिंडोलों के आनंद लेकर अब रूहें चलना चाहती है हजार हाथ चबूतरे पर पिया संग अब रूह बढ़ रही है पुखराज पहाड़ की घूमर ऊंचे चबूतरे की ओर सामने एक विशाल गुर्ज और उनके दोनों ओर से अति सुंदर चढ़ती सीढ़ियां इन सीढ़ियों से पिया संग सखियों संग चढ़ रही है वनों की शीतल छाया तले मेरी पिया की मेहर की छाव इश्क की छाव तले हजार हाथ चबूतरे पर पिया संग और देखिए ना कैसी सखियां दौड़ दौड़ कर इन हजार हाथ चबूतरे की शोभा को निरख रही है हजार हाथ हजार ही रंगों नखों में छिल मिलाते जिन भी हाथ में रूपिया संग खुद को देखती है वे जुदी शोभा लिए
मानो ये तो और भी सुंदर है, और भी सरस है। उन सफेद हाँस पे पिया संग नूरी बैठकों में विराजना, उन समय मानो वहां की संपूर्ण चौक पर सफेद रंग में खेलती हुई मेरी पिया, मेरे शिवराज श्यामा जी, उनका श्रृंगार भी तो नूरी श्वेत वस्त्रों में और उन पर लाल मानिक के आभूषण। मेरे पिया श्री राज श्यामा जी कितने सोने लग रहे हैं। हम सखियों का श्रृंगार भी सफेद रंग में भीगता हुआ, पिया की शोभा में रूही डूबती हुई तू कभी हरित आभा फैलाते, घास की सुंदर शोभा में पिया समझीलना, उन शोभा में उन सुखों में झेलना, चबूतरे की सुंदर सोनी शोभा नूर बिखेर, और इन चबूतरे के मध्य में चबूतरा अमरू बढ़ती है इन चबूतरे की ओर, बेहती प्यारी शोभा इन चबूतरे से चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी है। तो देख तो मेरी रूप, रंग महल की ओर महावन की ओर ये सीढ़ियां फूलों की नूरी नूर, नरम नरम फूलों की सीढ़ियां, इन सीढ़ियों पर चढ़ने की सुखद एहसास, अति नरमाइली सुगंधीली पिया की इश्क में भीगी भीगी इन सीढ़ियों से चढ़कर चोरस चबूतरे पे आना, तो दोनों घाटियों की तरफ सीढ़ियां नूरी नगों की और उनमें आया चित्रामान, उन चित्रामन में बड़े बड़े पशु पक्षी हाथी घोड़ा गैंडा सीढ़ियां चढ़ते हुए, मानो ये दोनों सीढ़ियां घाटियों के प्रतिबिंब स्वरूप पश्चिम उत्तर घाटी की संपूर्ण शोभा इन सीढ़ियों में रूह को नजर आ रही है। दोनों ओर कठेड़ों में देहरियों की शोभा, ऐसा लग रहा है कि इन घाटियों का एक मॉडल हुई। और पुखराज की पूर्व दिशा में आना
तो चबूतरे की पूर्व दिशा की सीढ़ियां झलकती हुई। ये सीढ़ियां जल में भीगी हुई, सीढ़ियों से जल उतरता हुआ मानो जल की सीढ़ियां हो। पुखराज और बंगला को जोड़ता हुआ ये विशाल कुल और इनमें बंगलों की छठी चांदनी से जल की धारा इन चबच्चे में आती हुई तो उन समय की मधुर आवाज और इन जल का प्रतिबिंब सामने आई सीढ़ियों में होता होगा। इन सीढ़ियों में रू श्यामल बनानी सब घड़ी है और उनके सीढ़ियां चढ़ रही है। सीढ़ियां चढ़ते समय शीतलता का एहसास और इन जल में साथ साथ आती फूलों की सुगंधित पंखड़ियां संपूर्ण फिजा को सुगंधित करते। पिया संग हंसते खेलते रमन करते इन चोरस चबूतरे पर आए। कठेड़े से लगकर भीतर चबूतरे की अलौकिक शोभा पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ पे जो खजाने की ताल से यहां उठकर प्रकट हुए हैं पांच भूम तक सीधा जाते हुए। ये पेड़ मेरे पिया की ये मोहल आती एक एक में पिया खुद दिखाई देते हुए कहीं इश्क का स्वरूप बनकर तो कहीं इलम स्वरूप बनकर जोश का स्वरूप बनकर इश्क स्वरूप में तो कहीं पूरण स्वरूप में पल पल पिया जी की ये बेशुमार नियामते बढ़ती हुई छठी चांदनी से इन पेड़ों का विस्तार होता हुआ इन्हें आपस में अब मिलना है। इन पेड़ों को एक रूप मिलान करना है। बंगला जी की ओर भी और दोनों घाटियों की ओर भी एक रूप मिलान करना है तो बढ़ते छज्जे कोटक कचहरियां तैलानों की सुंदर शोभा आगे आगे थम पीछे पीछे मोलातों का बढ़ना पिया जी की मेहर इश्क इलम जोश पल पर बढ़ता हुआ रूहों के प्रति प्रेम प्री पल पर बढ़ती हुई कैसे ये पांचों पेड़ एक रूप मिलान करके कृतवाही पड़ रही है।
एक फूल की माने पल पल अपनी सुगंधी को बढ़ाते, पल 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 सखियों पर अपनी धाम की लाडली रखियों पर अपनी नियामतों की बारिश करते, पिया जी की मेहर उनका लोगों के प्रति बेशुमार प्यार, और इन चबूतरे पर आई सुंदर बादशाही बैठ के पुकार रही है, आइए ना मेरे पिया जी, मेरे श्यामा जी विराजी। आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी उन नूरी बैठकों पर विराजते हैं, नूर की चौकी पर चरण धर, और हम सब सखियां भी पिया संग पिया को घेर कर कुर्सियों पर बैठती है। कोई सखी बिल्कुल पिया के अंग संग, तो कोई उनके सन्मुख एक टक पिया जी के नूरी सरूप श्रृंगार को निरख रही है। देखिए ना वो प्यारी सखी तो श्री राज श्यामा जी के कंधों पर हाथ रख के कितने लाड़ से खड़ी है, और पिया भी कैसे मुख उठाकर उन सखी से बात कर रही है। एक सखी का सुख सभी के सुख, वाहेदत की पुण्य। और इन बैठक के ऊपर विशाल आठ मेहराबे नूरी रत्नों से फूलों से चढ़े, और उनसे हल्की हल्की फूलों की वर्षा हो रही है सुगंधी। और बड़ी बड़ी दो दो मेहराबे बंगला जी और दोनों घाटियों की तरफ, देखिए ना वहां से भी कैसे बढ़ते छज्जे, पुखराज से मिलन करना चाहते हैं, मानो पिया से मिलन करना चाहते हैं। और इन 14 मेहराबों के तले, इन सुंदर बैठकों में पिया सब बैठने का सुख, और सामने हजार हाँस भूमर ऊंचे चबूतरे पर दौड़ दौड़ कर धाम की नूरी हाथी आ रही है। नूरी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, कोई हाथी अति विशाल है तो कोई छोटा है, घोड़े आ रहे हैं, चीता आ रही है, वो रंग बिरंगी छटा बिखेरते मोरों का जोत, और धाम की नूरी तोते
खड़े हैं इंतजार में, कब मेरी बारी आएगी। हाथी सुंदर चाल से चलकर सिया को रिझा रहे हैं। इतने विशाल हाथी कि चबूतरे के साथ लगते हैं तो सखी दौड़कर उन पर सवार हो जाती है और उनके सब मस्ती में इन हजार हाथ चबूतरे पर रमन कर रही है। इन सुंदर बादशाही बैठकों में पिया सब रू बैठी है और सामने बड़े बड़े पशु पक्षी आकर तरे तरे की करतब करके रू को रिझा रहे हैं। और कैसी पिया जी का आशिक एक एक खिलौना बिट बिट के करतब करके पिया जी को रिझा रहा है। वो धाम के नूरी बंदर पिया जी के आशिक खिलौने कैसी विध विध की पोशाकें पहनकर आए हैं और श्रृंगार सज कर आए हैं कि उनको देखते ही पिया के मुखारविंद पर एक मुस्कान आ जाए, रुए हंस पड़े उनके श्रृंगार को उनकी पोशाकों को देखकर। जोकरों की मानित करतब करती तो कभी इन बड़ी बड़ी मेहराबों में कलाबाजियां करते। और इन सुगंधित समा में एक साथ हजारों लाखों मोरों का नृत्य, उनकी मीठी आवाज पिया पिया तू ही तू, जहां भी नजर जाती पिया की नियामते पल पल बढ़ती दिख रही। बंगला जी की ओर बढ़ते झज्जे दोनों घाटियों की तरफ, बढ़ते झज्जे कोटक कचहरिया कोटक विशाल बैठ के मेरी पिया मेरी श्यामा जी वास। कभी 500 भोग ऊंची आई इन कचहरियों में बैठना और ऊंचे आसमान से पुखराज पहाड़ की पुखराज की संपूर्ण शोभा को निरखना। पिया संग खास विलास करना, बढ़ती शोभा पल पल धनी की न्यामते पल पल बढ़ती हुई। मेरी रूह को धनी का इश्क जोश में ही पल पल एहसास होता हुआ। इन शोभा में झील कर रू धाम के नूरी घोड़े जो पर राखत है उन पर असवारी करती है और बढ़ती है हजार हाथ चांदनी की ओर। पिया संग इन घोड़ों की असवारी करना और कैसे उन समय संपूर्ण समाधम सा जाता है। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर साथ साथ चलते होंगे, आसमान के आसमान
प्रत्येक पक्षी की चाह कि मैं पिया के सम्मुख रहूं, पिया के दाएं बाएं रहूं, उनसे मीठी मीठी बातें सुनूं, उनका दीदार पाऊं। और अरशी मिलावा उतर रहा है, हजार हाथ चांदनी पर आए, सुंदर बगीचों में मेरी पिया शिला जी घोड़े से उतर रहे हैं और श्यामा जी को भी अपनी बाहों में लेकर घोड़े से उतार रहे हैं। मुझे भी तो पिया ही घोड़े से उतार रहे हैं। जैसे ही बगीचों में कदम रखा तो कदमों में आए झांझरी घुंघरी कांबी कटला की मधु झनकार, हाथों में आए आभूषणों की मधु झनकार, कि पिया संग इन बगीचों में रमन करेंगे। आसमान की ऊंचाइयों में आई ये बगीचे मेरे निजधाम का एक बहुत बड़ा पार्क की तरह, चारों दिशाओं में मुख्य द्वारों की विशाल दरवाजे और हजार हांस मोहलाती एक बाउंड्री की तरह दिखाई देती हुई, मानो ऊंचे आसमान में एक सुंदर से बड़े से बगीचे में हम हैं पिया सर, और इन बगीचे में रमन कर रहे हैं। और ठीक मध्य आकाशी में है नहरी तेज गति से चलती हुई सुगंधित जल, दूध शहद की मानो नहरे बहरे, चबच्चों से उछलते फवारे प्रसन्न होके और भी झूम देते हैं, और एक एक फुहारा तरह तरह के फूलों की आकृति लेकर तो कभी राज श्यामा जी का प्रतिबिंब बनाकर उछलते हुए, और इन नूरी जल की बूंदियां जो फूलों पत्तियों पर आ रही है तो बगीचों की शोभा बेशुमार बढ़ती हुई। मेरी रूह श्री राज श्यामा जी के संग उनके हाथों में हाथ डाले किनार पर आई, हजार हांस मोहलातों की अष्ट मेहराबें सुंदर बैठकों में विराजती है, सुंदर सुखदाई चरोखे धाम की अष्ट मेहराबी चरोखों के, और यहां से बैठकर बगीचों के आनंद लेना, नहरी चबच्चे फूलों की सुंदर शोभा, कहीं नूरी श्वेत रंग में खिले खिले बगीचे तो कहीं लालिमा बिखेरते, तो कहीं श्याम रंग में मिठास लिए, तो कोई सभी रंगों में सरस से इनसे आती सुगंधि का एहसास
और धाम की तितलियां उनके परों पर आप शिवराज जी श्यामा जी की सुंदर चित्रामत। वो तितली भी आकर पठेरे पर बैठती है तो कितनी प्यारी शोभा। भंवरों की कुंजार धाम की नूरी तोते कोयल की कुहू सबकी नजरों में पिया के प्रति बेशुमार लाड़। सबकी नजरों में मेरे पिया समाये। और इन समय आकाश भी सिजदे में झुक जाता है। बादल भी उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं। हल्की हल्की बारिश देखिए ना धाम की बारिश सफेद वनों में मानो हीरा के कण गिरते हुए और लाल बगीचे पर मानो मानिक की बारिश हो रही है। और ये जब बारिश स्वर्णिम रंग में खिले इन आकाशी महल पर होती है तो स्वर्णिम आभा ने उनकी बोलियां जो आकाशी मेल के पारों पुर्जों पर विराजती हैं तो कैसे नूरी रोशनी से प्रतिबिंबित होती है। इंद्रधनुष के रंग से बिखेर रही सामने आसमान चूमता आकाशी में भूम दर भूम सुंदर बैठ के तू पिया सब बियादी लाड में आके दो उन आकाशी माहौल की चौकते गुर्जों में आकर शोभा को देखती है। दिल की चाहना से सब काम होते हुए क्या मैंने आकाशी महल की चौकते गुर्ज पे पिया संग जाना है तो उसी पर खुद को वहां पर देखा। रूह खुद को देख रही है पिया संग सखियों संग आकाशी महल की चांदनी पर ठीक मध्य चबूतरे के ऊपर। इन विशाल चबूतरे पर रूह पिया संग बेहद ही विशालता लिए ये चबूतरा और इन पर पिया सब उतली जल का स्तूप जब फूट रहा है जो खजाने के दास धनी की नियामती बेशुमार नियामती यहां आकर प्रकट होती हुई तो वो एहसास रूह को होता हुआ शीतल शीतल धनी के इश्क में गर्व करता हुआ Thank you.
इन शोभा से अबरू बढ़ती है, खुद को देख रही है। पुखराश के पूर्व में आई दहलानों में, इन जल की नहरों में, जल की नहरों में पिया संग आगे बढ़ना, हंसते खेलते मस्तियां करते, इन जल की चार नहरों में, कैसे ये जल की चार धाराएं 20 भोग ऊपर से पुखराजी ताल में गिरती। और इन पुखराजी ताल में पिया सब झीलना करना, जल में अपार जल क्रीड़ाएं करना, मछलियों की भांति गोते लगाना, तू कभी पिया संग यहां पर जल की होली खेलना, उछलते जल की बूंदियों में पिया का श्रृंगार, उन जल की बूंदियों से ही गले के हार, कानों के कुंदन, श्री राज श्यामा जी की नूरी अंगों में नग बन की छिल मिलाते हुए। और अब जल की धाराओं संग अब बीच की कुंड की ओर बढ़ना, और जल की 16 धाराओं में मस्ती करना पिया सब, ऊंचे आसमान से 16 धाराओं को, जल की एक बूंद को पकड़कर अब बीच की कुंड में आना, इन 16 धाराओं में मस्ती करना, एक एक बूंद पिया की आत्म स्वरूप, एक बूंद को पकड़ के चढ़ जाना और उतर जाना नूरी स्वरूप धाम के। रू अद्वीज के कुंड की खास मोहलातों की चांदनी पर है, और सामने 16 धाराएं उनकी दिव्य दर्शन, कैसे सखिया मस्ती में इन जल की धाराओं में क्रीड़ा कर रही है। और ये जब जल अद्वीज के कुंड में आता है तो जल की सुंदर गर्जना, और बूंदियों की सुंदर शोभा, एक एक बूंदी सुंदर शोभा ली, इन शोभा को पिया सब रू निरख रही है। अद्वीज के कुंड से उतरते जल के संग संग अद्वीज की कुंड की
शोभा देखते हुए भूम दर भूम तले उतरना। और अब पिया सन धपू चबूतरे पर बैठना, मेरे पिया मेरे शहराज श्यामा जी इस सुंदर बैठकों पर विराजे हैं, घेर कर हम सब सखिया कोई सखी शिवराजी के नूरी स्वरूप श्रृंगार को एक टप में रख रही है। पिया जी का नूरानी स्वरूप श्रृंगार और मेरे पिया जब रोज से बात कर रहे हैं तो उन समय उनकी मीठी मीठी बातें या कैसे रूह की बात प्यार से सुनकर उनको उत्तर दे रही और इस समय उनके दंतावली के सुंदर दर्शन कोई सखी पिया के बिल्कुल अंग संग खड़ी है तो कोई उन्हें दूर से निहार रही है। और देखिए ना धाम की वो प्यारी सखिया दूर कर वनों में जाती है, उस सुंदर अति कोमल फूल चुनकर लाती है और पिया जी को फूलों के गुलदस्ते बनाकर भेंट कर रही है। पिया भी उनकी अदा पे मुस्कुरा उठते मूल कुंड की जल के पास इन मूल कुंड की शोभा को देखना, उमड़ते जल की शोभा कैसे पिया को देखकर जल और ऊंची तेज गति से बहता हुआ और ऊपर वनों की शीतल छाया सुगंधी के और आगे यमुना जी का प्रगटन इन देहोरियों में सफेद फूलों से सजी देहोरियों में पिया सब खुश पर आराम करना। एक एक देहोरी में परम धाम के 25 पक्षों की सुंदर झलकार, कहीं फूल बाग की सो कहीं नूर बाग की, कहीं पूरा पुखराजी पहाड़ उतरता हुआ कहीं मानिक पहाड़ के हिंदोलों के सो, मेरी रो इन सुखों को पिया सक दे रही। पिया जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार में डूब रही मेरी पिया जी, उनका नूरी स्वरूप श्रृंगार शिवराज जी का नूरी शेत जामा उनमें से झलकती हरे रंग की इजार, कमर में नीलो न पीलो रंग का पटका और कंधे पर आसमानी रंग की महीन बिछोरी और सिंधिया रंग जड़ा की बाग और उनके अंग की ही शोभा उनके नूरी आभूषण चरणों की सुंदर शोभा नखों का तीर जांच
काम भी कटला की शोभा, हस कमलों की सुंदर शोभा, मुंद्रियों की शोभा, पहुंची काड़े बाजूबंद की शोभा, मेरी नक्शी शिव मेरे पिया जी इस सुंदर नुरी स्वरूप श्रृंगार को, पिया जी आइए ना बस जाइए मेरे धाम इतने, ये नूरी छवि मेरी आंखों में बस जाए। मेरी श्यामा महारानी सिंध्य रंग चढ़ाऊंगी, अति सुंदर शायद श्याम रंग चढ़ाऊंगी पंचुकी, और हीरे अंग पर आए हार, कानों में आई कुंडल, शीश कमल पर आई राखरी, और छोटी साड़ी में छलकती पीठ पर लहरा छोटी सुंदर गोड़ बन में उनकी पीठ की शोभा, और चोटी कंचुकी के पर हारों के पर अति सुंदर शोभा, बाजू में बाजू भर अंकनी पहुंची अंग में पहुंची नव भरी नव चूर की शोभा, और कोमल कोमल अंगुलियों में अंगूठियों की सुंदर शोभा, चरण अंग में पीछे अनवट की शोभा, इन अनवट श्यामा महारानी श्री राज श्यामा जी दोनों युगल स्वरूप का श्रृंगार निहारती, पीछे की शोभा झांझी कांबी करना, और उनका हरे रंग का चढ़ सुंदर नीली शोभा, मेरी रूप श्री राज श्यामा जी के इन नूरी स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में फिर फिर पसारे, मेरे पिया मेरे राज मेरे श्यामा जी आओ ना, मैं पल पल आपको निरखती रहूं, अपनी पलकों में आपके नूरी स्वरूप श्रृंगार को बंद कर दो, तो खुद को देख रही है कुमार जी में इन जागनी ब्रह्मांड की परम धाम में, आप पिया मेरे शिवराज जी श्यामा जी के सन्मुख फिर उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है, तो इन्हीं चरणों में बस जाना चाहते